वीडियो में एंट्री मारने से पहले एक बहुत ही सही चीज़ मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ, जो कि है ये फ्लिकबॉक्स। इसमें ना बहुत सारी चॉकलेट्स आती हैं अलग अलग कंट्री से, दुबई, यूके, लंदन। ये वाली मैं खा चुका हूँ, ये वाली भी मैं खा चुका हूँ और अभी भी बहुत सारी बची हुई हैं, तुम देख सकते हो। और इसका साइज़ देखो यार, ये वाली चॉकलेट का साइज़ देखो, मेरे फ़ोन से भी बड़ा साइज़ है इसका। 7 इंच की चॉकलेट है भाई, इसको 2-4 दिन लग जाएंगे खाने में कम से कम। पूरी मत खाना, मैं भी खाऊंगा। तो इसका लिंक मैंने आपको दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, flickbox.com। वहां पे जाके आप इसे खरीद सकते हो और वहां पे कूपन अप्लाई करना NAMANGANG NAMANGANG। तो वो समझ जाएंगे कि तुम मेरी गैंग के हो और 200 रुपया ऑफ मिल जाएगा एक डब्बे पे, 2 डब्बे पे 400, 3 डब्बे पे 600। तो टाइटल देख के तुम समझ ही गए होगे आज मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। तो ये बहुत ही सही चीज़ है, मुझे मज़ा आ गया था अपने फ़ोन में ये करके और आपको भी मज़ा आ जाएगा अपने फ़ोन में ये करके। और आप किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन पे ये कर सकते हो। इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे हम कोई भी वॉलपेपर सेट करते हैं अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पे, तो वो जो है वो सिर्फ हमने हमारी होम स्क्रीन पे दिखाई देता है। बाकी हम जाते हैं फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे तो वहाँ पे वो दिखाई नहीं देता, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे फ़ोन में मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप के पीछे अपनी खुद की फ़ोटो लगा रखी है और फेसबुक के पीछे मैंने यहाँ पे कोई रैंडम सा कोई वॉलपेपर है सुपर हीरो का, मतलब सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, जो मन चाहे लगा सकते हो। तो ये मैंने एक्चुअली कैसे किया, इसके लिए आपको एक ऐप को इंस्टॉल करना है, बहुत सिंपल है, प्ले स्टोर से। इस ऐप का नाम है डिजाइनर टूल्स। इंस्टॉल करना है, ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो है मॉकअप ओवरले का, उसको आपको इनेबल करना है। उसके बाद प्लस पे क्लिक करके आपको अपने फोन की गैलरी से कोई भी फोटो सेलेक्ट करनी है जो आप चाहते हो सेट करना, अपनी खुद की फ़ोटो या फिर कोई भी फ़ोटो। उसके बाद नीचे ओपेसिटी को आपको 10% या फिर 20% सेट करना है, उसके ऊपर सेट मत करना, वरना जो आपको टेक्स्ट है या फिर जो कंटेंट है स्क्रीन के ऊपर वो आपको ढंग से विजिबल नहीं होगा। उसके बाद जो है अब आप देख सकते हो वो फ़ोटो जो आपने सेलेक्ट करी थी वो आपके फ़ोन के पीछे आराम से दिखाई दे रही है, मतलब हर वक्त ये आपको दिखाई देती रहेगी हल्की हल्की सी। चाहे आप व्हाट्सएप पर जाओ, चाहे आप सेटिंग में जाओ, चाहे आप SMS में जाओ, चाहे आप कॉल करो या फिर कुछ भी करो, हर वक्त वो फ़ोटो आपके फ़ोन के पीछे हल्के से दिखाई देती रहेगी, जो कि बहुत ही सही लगता है। और आपके दोस्त अगर आपका फोन देखेंगे साइड में खड़े होकर तो कहेंगे भाई तूने कैसे कर रखा है, ये कैसे कर रखा है, मुझे भी कर दे मेरे फोन में। तो आप कर देना उसके फोन में, लेकिन बता देना उसको कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसी कूल चीजें लाता रहता हूँ बार बार। तो बस यार यही थी वो एक बहुत ही तगड़ी चीज जो मैं तुमको बताना चाह रहा था। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज यार नीचे लाइक फेंको, कॉमेंट छोड़ो, शेयर करो और आखिर में नीचे सब्सक्राइब करो, ऐश करो और उसके बाद तो बाय है और तो क्या है। और लास्ट टाइम मैंने रफ्तार का डिस ट्रैक बजा दिया, बहुत से लोग बुरा मान गए थे, अनसब्सक्राइब करने लग गए थे एमीवे के फैंस। तो इसलिए इस बार जाते जाते पेश है एमीवे जी की प्यारी आवाज में एक बहुत ही प्यारा नगमा, आप सुन के जाइएगा। मैं वापस आ गया तू फिर से डरेगा, जिस तरह फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा, मैं पहले से फेमस था शाने, तू क्या मेरा छोटे सीन चेंज करेगा, तू बस बड़ा दिखाना चाहता है, हम जिसको तू दबाना चाहता है, लेकिन मेरे पास तेरे लिए बहुत सारा सब चाहिए, ऊपर से शब्दों का छाता है। खत्म।